Hello, everybody, welcome to Sonia. Yes, we are having the topic wise discussion of previous year questions of CSAT that is paper 2 of CSE prelims. Today, we are taking up the topic of this coding and decoding. If you see from the analysis point of view, this topic is very important because every year you expect.

थिंक कि दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक एक्सट्रीमली इजी टॉपिक इट इज एन एक्सट्रीमली इजी टॉपिक आई वुड टेल यू सम बेसिक स्टेप आप सिस्टमैटिक अप्रोच से टैकल करोगे इस प्रॉब्लम को विच विल मेक द प्रॉब्लम्स इजियर फॉर यू एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक सो यू कैन एक्सपेक्ट कि वॉट एवर क्वेश्चन टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन

उसको कोई कोड नेम दे दियाट से आई है सम यूज दिस टर्म वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन दैट वुड बी मीनिंग आई एम कॉलिंग प्रखर राइट सो आई हैव गिवन सम कोड सो जनरली यू नो जैसे वॉट्सएप इंक्रिप्शन होता है वॉट एवर मैसेज यू सेंड व्हाट्सएप इवन कैन नॉट रीड दैट मैसेज वाई बिकॉज दैट दैट जो भी मैसेज है दैट गेट्स इनक्रिप्टेड और सम कोड नेम इज गिवन टू दैट नेम आपने अगर किसी को हे लिखा है एच ई वाई तो उसको कुछ कोड दे देते हैं एंड दैट बिकम समथिंग रैंडम लेट से एक्स वाई वाई यू विल नेवर एबल टू अंडरस्टैंड की वॉट इज एक्चुअली रिटर्न इन द मैसेज सो दैट्स हाउ कोडिंग वर्क एंड डी कोडिंग इज if there is some code given if i have already given you this code and i am asking you what is the original significance of this code then you decode and you tell okay this is this, this is the uh, this means prakhar that is called decoding so this is coding and decoding in very you know brief what kind of questions they ask okay what kind ऑफ of questions दे आस्क दे कैन आस्क कोडिंग एंड decoding based बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स बेस्ड ऑन नंबर्स ठीक है वो कोई आपको सेंटेंस के फॉर्म में दे सकते हैं दे माइट गिव यू यू नो फोर फाइव सेंटेंसेज एंड देन दे आस्क यू टू आइडेंटिफाई

ए बी सी डी ई एफ जी एच आई चे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई एंड सेड समथिंग लाइक दैट ये आपने फाइव फाइव पे लिखा एक rome five letters five, 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 5 so it would be easier for you to count the number of the letter for example i am asking what is the number of m m so you can just tell very easily 5 5 10 11 12 13 so m is 13 you can write the numbers also in the starting but if you don't want to write all the numbers you can just calculate i am asking q q is 5 10 15 16 17 q is 17

So the first question was asked in the year 2022. I have told you ki in every year, every year they ask at least one to two questions on this topic. If the order of the letters in the English alphabet is reversed and each letter represents the letter whose position it occupies, then which one of the following represents like This the order of the letter in the English alphabet is reversed, and each letter represents the letter whose position it occupies. That means let's say. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई J के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ठीक है आपने नंबरिंग कर दी वन टू थ्री फोर

ट आई एम डूइंग राइट नाउ लखनऊ इसमें उन्होंने ना रिवर्स कर दिया पोजीशन को दैट मींस इफ आई राइट लखनऊ एल इज ट्वेल्व यू इज ट्वेंटी वन पी इज थ्री के इज इलेवन एन इज फोर्टीन ओ इज फिफ्टीन फिफ्टीन डब्ल्यू इज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री सो नाउ इट इज आस्किंग ये ना रिवर्स कर दिए पोजिशन और जो लेटर आ रहा था उसकी जगह ही हो रहा है दैट इज एल इज ट्वेल्थ फ्रॉम द स्टार्टिंग सो एट द फर्स्ट प्लेस और एट द प्लेस ऑफ एल वॉट विल कम ट्वेल्थ बट फ्रॉम द लास्ट तो लास्ट से ट्वेल्व काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स

लखनऊ सो so, कोई ऑप्शन है इसमें ओ जी ओ जी ओ एफ एक्स पी एम एल 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 डी राइट करेक्ट ऑप्शन कुछ भी था इसमें कुछ भी नहीं था दे हैव जस्ट गिविन रिवर्स करना है आपने नंबरिंग कर दी आपने इधर नंबरिंग से काउंट कर लिया बस काउंटिंग में आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है द ओनली थिंग विच कैन मेक यू कमिट द मिस्टेक इन सच प्रॉब्लम वुड बी योर लैक ऑफ फोकस और सिली मिस्टेक्स मिस्टेक क्या है मिस्टेक है लेना किसी चीज को या फोकस ना रखना अरे ये क्वेश्चन देखा अरे, अरे ये तो मैं जहां ये आ गया कर ही लूंगा ये तो मैं कर ही लूंगा वो नहीं करना है, है ना? अगर आप काउंट करते हो, एक भी डिजिट काउंट हुई और डी की जगह आपने ई कर दिया काउंट बहुत अच्छे से करना है ट्वेंटी वन मतलब लास्ट ट्वेंटी वन काउंट करके और फाइव फाइव टेन फिफ्टीन सिक्सटीन 17 18 19 20 21 लाइक दिस आप काउंट बहुत अच्छे से करना है इसमें. ठीक है सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर 2021 इन द इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट फोर लेटर्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर नेक्स्ट फोर लेटर्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन एंड एट द एंड वाई एंड जेड आर इंटरचेंज्ड व्हिच विल बी द फोर्थ लेटर टू द लेटर टू द 13th लेटर ठीक है देखो आप देखो

एम एन ओ आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड सेट अब क्या बोल रहा है इसमें इन द इंग्लिश द फर्स्ट फोर लेटर्स आर इन अपोजिट ऑर्डर नेक्स्ट फोर लेटर रिटर्न अपोजिट ऑर्डर तो ये दिस फर्स्ट फोर है इनको आपने अपोजिट ऑर्डर में लिख लिया तो डी सी बी ए आपको फोर फोर का ग्रुप बना के उनको अपोजिट में लिखना है डी सी बी ए दिस इज फर्स्ट फोर नेक्स्ट फोर इज देश एंड देश एच जी एफ ईस एच जी एफ ई फिर नेक्स्ट फोर कौन से हो गए ये एल के जे आई नेक्स्ट फोर एम एन ओ पी दैट इज पी ओ एन एम देन क्यू आर एस टी टी एस आर क्यू इंटरचेंज वाई एंड जेड जेड की जगह वाई एंड जेड आर जेड वाई की जगह जेड की जगह वाई सो दिस इज द फुल पैटर्न विच इज बिंग आस इन द क्वेश्चन पेपर ये तो बोल रहे फर्स्ट फोर लेटर्स को आपने क्या किया अपोजिट ऑर्डर में लिखा चार चार के ग्रुप में एंड सो वन चार चार के ग्रुप में अपोजिट एबीसीडी को डीसीबीए

करेक्ट ऑप्शन है टी यस ऑप्शन बी टी वु करेक्ट ऑप्शन

मैथमेटिक्स इज रिटेन एज समथिंग लाइक दैट हाउ इज केमिस्ट्री रिटेन इन दैट कोड लैंग्वेज ओकेटेड टू आर अल्फाबेट्स वॉट वुड आई डू आई वु अगेन राइट ऑल द अल्फाबेट्स तो मैं एक बार जल्दी लिख लेता हूँ यहाँ पे ए बी सी डी एफ e, जी एच आई जे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई सेट ठीक है अब क्या बोल रहे हैं मैथमेटिक्स को कैसे लिखा गया मैथमेटिक्स एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस काफी बड़ा है इसको कैसे लिखा गया एल बी एस आई डी एन एल बी एस आई डी N जेड यू एच डी आर जेड यू एच डी आर ठीक है अब आप देखो इसको मैंने क्यों इसके एग्जैक्ट नीचे लिखा क्योंकि इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन दूसरे वर्ड से रिलेटेड है तो इन जनरली वो लेटर बाय लेटर रिलेटेड होता है सो इफ मतलब दिस एम बी रिलेटेड टू एल दिस ए वुड बी रिलेटेड टू बी लाइक दिस इफ दैट इज द केस सो so, हर वर्ड जो भी पूरा वर्ड है उसके एक लेटर दूसरे के लेटर से रिलेटेड होगा सो एग्जैक्टली नीचे लिखने से क्या होगा इट वुड बी मोर क्लियर फॉर द रीडर या फॉर द सॉल्वर एम एल से कैसे रिलेटेड है ए बी से कैसे रिलेटेड है है टी एस से कैसे रिलेटेड अब हम अपना रिलेशनशिप देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है एम एल एम यहां पर एम से हम एक पीछे जा रहे हैं तो एल मिल रहा है इफ यू आर गेटिंग वन वन स्टेप बैक इफ आर टेकिंग वन स्टेप बैक फ्रॉम एम वी आर गेटिंग एल गुड ए से बी वी आर मूविंग वन स्टेप फॉरवर्डिंग एल से आप ऊपर एम जा रहे हो ए से एक स्टेप बी नीचे दट इज अब एस से इफ यर टेकिंग वन स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम एस और टी से एक स्टेप बैकवर्ड ले रहे हो एच से एक स्टेप नीचे आ रहे हो एच के बाद ही तो आई आता है डी डी से एक स्टेप ऐसे जा रहे हो एम से एक स्टेप नीचे आओगे से एक पीछे जा रहे हो और टी से एक स्टेप आगे जा रहे हो तब आपको मिल रहा है यू एच से एक स्टेप आगे आई सी से एक स्टेप नीचे डी आर से एक स्टेप आगे तो यू कैन सी दिस थिंग दिस एरो लाइक दिस है ना आप फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड दिस काइंड ऑफ शेड जो भी पैटर्न है इज गेटिंग फॉर्मड वॉट विल आई डू आई वु राइट वॉट एवर इज बींगमिस्ट्रीन मीसू आई वुड यहां से ऐसे सी से आई विल टेक वन स्टेप बैक दट इज बी एच से आई विल टेक वन स्टेप फॉरवर्ड एच के बाद आई देन यहां से एक स्टेप ताकि ई मिल जाए यान स्टेप बैक डी देन एम से एक स्टेप आगे एन आई से एक स्टेप बैक एच एच आई एस से आगे टी ठीक यहां पर एक स्टेप बैक एस एस यहां पर फिर से ऊपर एक्स राइट सो वॉट आई एम गेटिंग इज बी आई डी एन एच टी एस एस एक्स बी आई डी एन एच टी एस एस एक्स दट इज ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन कुछ भी दिक्कत इस वाले में कोई दिक्कत नहीं इस टॉपिक में है ना ठीक है फिर जस्ट तो आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है आप इसकी मदद भी ले सकते हो आपने स्टार्टिंग में देख लिया एम से एक पहले एल आ रहा था एक के बाद बी आ रहा था एंड दैट पैटर्न इज गेटिंग फॉन्ड एंड सेम पैटर्न यू हैव कॉपीड हियर एंड यू हैव फाउंड योर आंसर सो दट इज माई दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इजी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो दिस इज द क्वेश्चन इन द सम देव गिवन सम सिंबल प्लस वन देन प्लस फाइव प्लस दिस 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 प्लस ओके नाउ दिस इज नॉट गिविंग दिस इज नॉट दिस इज ऑनली दिस वन तो इतना है ठीक है ये यहां यहां की चीजें यहां पर आएगीव करेक्टेड दिस ओके नाउ फॉर विच इज इट ड सिंबल स्टैंड नाउ यू हैव टू थिंग्स टू डू आप क्या करो या तो नॉर्मली आप क्या करो एक एक ऑप्शन पुट करके रखो टू प्लस ट्वेल्व प्लस फिफ्टी टू प्लस ट्वेंटी टू प्लस टू वन इफ आई एम टेकिंग ऑप्शन टू आप इसको ऐड करो वन ट्वेंटी टू आना चाहिए पूरा ऐड किया ट्वेल्व टू फोर्टीन फिफ्टी टू प्लस फोर्टीन सिक्सटी सिक्स प्लस ट्वेंटी टू एट प्लस ट्वेंटी वन इट वुड बी आई थिंक वन जीरो नाइन ओके

या तो आप इसको ऐड करने बैठो इट इज जस्ट जैसिंग वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट तो आप क्या करो यूनिट डिजिट ले लो थ्री ले लिया ये ले लिया ये यूनिट डिजिट ले लिया ये यूनिट डिजिट ले लिया एंड ऐड कर दिया थ्री प्लस सिक्स नाइन प्लस फोर थर्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी का भी अगर आप सम कर दोगे ट्वेंटी है ना दैट इज यूनिट डिजिट इज जीरो बट यहां पे तो यूनिट डिजिट में फाइव आ रहा है डेफिनेटली दिस एडिशन इज नॉट करेक्ट अगर यहाँ पे जीरो आ रहा होता तो पॉसिबिलिटी तो थी भी कि हो सकता है कि सही एंड में जीरो प्लस फोर्टीन प्लस फिफ्टी फोर प्लस फोर्टी फोर प्लस फोर्टी वन इज इक्वल टू वन फोर फोर तो बाइल फोर प्लस फोर एट ट्वेल्व सेवेंटीन सेवन आना चाहिए यहाँ पे फोर आ रहा है तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग फोर भी रॉन्ग हो गया फाइव को चेक कर लेते हैं फाइव फाइव टेन फाइव फाइव टेन फाइव 5, फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी वन वन आना चाहिए यहाँ पे फाइव आ रहा है so चेक कर लेते हैं थ्री को पर रखो थ्री प्लस टू वन थर्टी थ्री इफ आई टेक यूनिटिट थ्री थ्री सिक्स थ्री नाइन थ्री ट्वेल्व वन थर्टीन थर्टीन यूनिट थ्री है इधर भी थ्री है सो यस दिस विल करेक्ट

क्स्ट लेक्ट ओके सो दिस क्वेश्चन वॉज आज इन द्वेंटी ट्वेंटी ट्वेंटी में पूछा गया था क्वेश्चन लेट ए थ्री बी सी दिस एंड डी टू एफ बी फोर डिजिट नंबर वेर ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट डिजिट बट ग्रेटर दैन थ्री ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट डिजिट ग्रेटर थ्री

बी सी डी इसका एडिशन हम कर रहे हैं हमें कितना मिल रहा है वन फाइव नाइन सीरो वन फाइव नाइन जीरो टू मिल रहा है तो अगर मैं इसको देखूं तो वी कैन टेल कि सी प्लस एफ इज इक्वल टू टू पर एक बात बताओ सी प्लस एफ ट्वेल्व टू होगा अगर तो और दोनों डिजिट तीन से ज्यादा है तो तो सम दो से ज्यादा होगा तो दिस इज नॉट राइट तो सी प्लस एफ क्या हो सकता है ट्वेल्व okay. हो सकता है बिकॉज ये फोर डिजिट नंबर राइट हर सिंगल तो टू टू तक ही हो सकता है नंबर राइट बिकॉज फोर डिजिट नंबर है डी कैन नॉट बी अ टू डिजिट नंबर अदरवाइज दिस होल नंबर विल बिकम फाइव डिजिट नंबर इसलिए हर कोई सिंगल डिजिट नंबर है तो इफ दिस इज सिंगल डिजिट नंबर दिस इज सिंगल डिजिट नंबर एंड द सम इज

होने के कैसे चांसेस हैं या तो नाइन कॉमा थ्री हो जाए या एट कॉमा फोर हो जाए सेवन कॉमा फाइव हो जाए सिक्स कॉमा सिक्स हो जाए ऐसा कुछ हो जाए एफ में ऐसे कुछ हो जाए बट ऑल द डिजिट्स आर ग्रेटर देन थ्री तो थ्री वाला तो नहीं हो सकता बिकॉज इट इज शुड बी ग्रेटर देन थ्री

वन यहां पे जाएगा इसको आपको ऐड करना है इफ यू सी दिस होल तो बी प्लस वन प्लस बी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो जीरो तो हो नहीं सकता दिस वुड बी टेन राइट जैसे यहां पे ट्वेल्व था वैसे यहां पे टेन होगा ट्वेंटी हो नहीं सकता पॉसिबल नहीं है मैक्सिमम इज सेवनटीन राइट तो यहां से बी हो जाएगा टेन माइनस थ्री सेवन वी गॉट द वैल्यू ऑफ बी

उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता मैक्सिमम पॉसिबल केस तो नाइन को हम नाइन ही लेंगे तो यहां से भी इज इक्वल टू फाइव मिल गया ठीक है यहां पे कुछ भी नहीं आएगा तो यहां पे जीरो लिख दो अब मैं इसको अगर चेक करूं तो यहां से मिल जाएगा ए प्लस डी प्लस जीरो इज इक्वल टू फाइव ठीक है ए प्लस डी इज इक्वल टू फाइव अब ये अभी मैं पता नहीं है प्लस डी फाइवीन होगा पे पूरा नंबर लेंगे ना फिफ्टी पूरा बचा होगा ठीक है अब मुझे ई e पता है B पता है 5, 7. है ठीक अब टेल मी वन थिंग बी इज ऑलरेडी सेवन बी इज ऑलरेडी सेवन और मैं बोल रहा हूं सी या एफ में कोई एक सेवन होगा दिस पॉसिबिलिटी विल नॉट बी करेक्ट क्योंकि बी इज ऑलरेडी सेवन B is already सेवन and two digits कैन नॉट बी सेम तो बी सेवन हो गया तो, तो C और F क्या होंगे Either एट होगा या फोर होगा तो सी एफ क्या हो गया मैक्सिमम एट या फोर हो गया ठीक है सी आई कितना हो गया एट या फोर में से कोई एक नंबर हो गया E हो गया फाइव B हो गया सेवन ठीक है अब बताओ अब इसमें क्या है? Then what इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ A एंड D?

तो ए डी में कोई भी सेवन नहीं हो सकता तो दिस कैन नॉट बी द तो ए और डी कितना हो गया नाइन और सिक्स है और कोई सिक्स ठीक वैसे भी ए और डी में कोई कोई है है और द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी वुड बी नाइन माइनस सिक्स वुड बी थ्री करेक्ट ऑप्शन वुड बी व्हाट इज द डिफरेंस दे आर आस्किंग ए एंड डी में नाइन और सिक्स वैल्यूज है और डिफरेंस कितना हो जाएगा तीन का तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी थ्री कोई भी दिक्कत इसमें प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग में देखा इफ यू यू योर एंड एंड कैन सी ट्वेल्व हो जाएगा सिंपल एडिशन क्लास फिफ्थ लेवल क्लास फोर्थ थर्ड आई थिंक थर्ड में सिखाते हैं जब भी सिखाते हैं सबका प्रॉब्लम है इट इज नॉट मोर देन दैट

तो अगेन ए बी सी को अल्फाबेट्स को उन्होंने नंबरिंग करी है तो हम भी नंबरिंग कर देते हैं क्या दिक्कत ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई सेट अब मैं इसमें नंबर लिखूंगा नहीं है ना दैट वुड बी वेरी यू नो रिपीटेटिव काइंड ऑफ टास्क आप बस अब आप कैलकुलेट करते जाओ जी एच आई कितना दिया हुआ है एट आई डायरेक्टली डू कैसे हमें एग्जाम में करना है G, G कैसे करना है यहाँ पे ये ये इसके बाद नाइन सेवन एट्टी नाइन डी एफ नाइन वन टू डी वन टू थ्री फोर ई इसके बाद फाइव एफ इसके बाद सिक्स आप हमको ना एक रिलेशन ढूंढना है कि यार दिया था 1578 है है नंबर कुछ 789 आ रहा कैसे आ रहा है तो आप अपना दिमाग लगाओगे क्या कर सकते सम है सम का सम का इसको इस पूरे नंबर का कुछ स्क्वायर है क्या क्यूब है क्या इसका डबल है क्या ट्रिपल है क्या दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू थिंक

डाउट इसमें सिंपल था तो आपने आइडेंटिफाई किया कि इसमें कैसे ये रिलेटेड है वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर 2020 व्हाट इज द मिसिंग टर्म एट द रेट इन द फॉलोइंग ए सी पी क्यू बी एस यू सो अगेन यू कैन सी कि लेटर्स

If it, if it takes 30 to 60 seconds more but the answer will be correct so that is more important so i will just write here a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y and z now it is given ए सी पी क्यू इसी के नीचे मैं लिख देता हूं बीई एस यू नाउ आई है ए सी पी क्यू एंड बीई एस यू में वॉट इज द रिलेशन इफ आई सी के जस्ट बाद है बी ठीक है ए बी एंड देर इज नो लेटर बिटवीन ए एंड बी दैट इज आई हैवंट लेफ्ट एनी लेटर सो आई हैव लेफ्ट जीरो लेटर्स राइट I am going to C to E. C to E. I am leaving this D. That is, I am leaving one letter. Okay, I will write one. P to S. P to S. I am leaving two letters here. Q and R. So, I am leaving two letters. Q to U. Q to U. I am leaving R, S, and T. That is, I am leaving three letters here. So, you can see the pattern. In the first letter, I haven't left any letter.

कुछ भी नहीं है इट्स वेरी सिंपल केक केकवॉक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड नंबर 136 इज एडेड टू 5b7 यू कैन राइट दिस 136 इज एडेड टू 5 b 7 एंड यू फाउंड सम ऑप्टेंड इज 7 a बहुत बढ़िया

सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर शुड बी डिविज़िबल शुड ऑल्सो भी डिविज़िबल बाई थ्री ये कंडीशन होती है डिविज़िबिलिटी ऑफ थ्री तो अगर मैं इनका सम कर दू सेवन प्लस ए प्लस थ्री वुड बी टेन प्लस ए दिस होल नंबर दिस होल नंबर शुड बी डिविजिबल बाई थ्री इफ आई वॉन्ट कि सेवन ए थ्री डिविजल हो जाए किससे तीन से ठीक है

फाइव बी सेवन हाउ एम आई गेटिंग इफ आई सब्रैक्ट वन थर्टी सिक्स माइनस सेवन ए थ्री आई शुड गेट फाइव बी सेवन यही तो मतलब हुआ दिस टू आर सेम और नॉट सेम इफ यूर एडिंग टू नंबर वी आर गेटिंग द फाइनल अमाउंट तो इस फाइनल अमाउंट में से इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस देन वी शुड गेट दिस नंबर वही तो मैंने लिखा दिस इज द बिगेस्ट नंबर ये सम है इस में से वन थर्टी सिक्स घटा देंगे फाइव भी सेवन आना चाहिए ओके सो आई हैव दिस टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस थ्री पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए जस्ट रिमूव दिस वन ठीक नाउ इफ आई सी आई पुट एस टू ए को मैंने यहां पर टू पुट कर दिया सेवन ट्वेंटी थ्री माइनस वन थर्टी सिक्स इफ आई सब फाइव एवन फाइव बी सेवन फाइव बी सेवन सो बीज इफ आई कंपेयर दीज टून बी फाइव बी सेवन बी इज इक्वल टू एट यहां से मुझे बी इज इक्वल टू एट मिल गया

617 but it is given 5b7 this digit should be 5 here it is 6 so this is not possible if a is equal to 8 then 7 a 3 136 647 here it is 5 here it is 6 so this is also not correct so the only correct possibility would be where when A is equal to 2 and when A is equal to 10, then B is equal to 8. So answer would be option D B is equal to 8 is the only possible value. Next question. If this question was asked in the year 2019.

एवरी अल्टरनेटिव लेटर तो मैं फिर से यहां लिख लेता हूं ताकि दिक्कत ना हो ए बी सी डी एफ जी एच आई एल एम एन आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड ठीक है अब बोल द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स इज रिटन इन लोअर केस इंक्लूडिंग बी रिमेनिंग ले तो अगर मैं बी से देखू तो स्मॉल कौन कौन से होंगे आई विल अंडरलाइन दो बी स्मॉल बी इज स्म इनक्लूडिंग बी डी स्मॉल एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स सेट सो दीज आर द लेटर्स विच वुड बी रिटर्न इन स्मॉलर इन स्मॉल लेटर्स बी डी एफ एच जे एल एन ठीक है ये केस में लिखे जाएंगे बाकी सब बड़े केस में लिखे जाएंगे तो जुलाई में क्या क्या लिखते हैं जुलाई में जे J. जे J को अगर मैं जे इज अंडरलाइंड अंडरलाइन वाले क्या है स्मॉल है तो जे तो स्मॉल में लिख दिया जाएगा बहुत बढ़िया यू यू इज नॉट अंडरलाइंड यू इज नॉट अंडरलाइन मतलब यू में होगा कैपिटल में होगा कैपिटल में हो गया एल एल इज अंडरलाइन अंडर में तो L भी small हो गया, y, y so यू कैपिटल ये तीन ऑप्शन है एल स्मॉल तो तो गलत हो गया ये तो पहले से गलत है एल एल एंड वाई कैपिटल दिस इज ऑल्सो ऑप्शन डी जे स्मॉल यू कैपिटल एल स्मॉल एंड वाई कैपिटल दिस बी द करेक्ट आंसर डाउट कुछ भी नहीं है जो उन्होंने बोला हमने इसको देखा कितना इजी है अगर आप ये बना लेते हो तो थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर वॉक है ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मोर देन यू नो फोर्टी सिक्सटी से अगर आपने इन क्वेश्चन को तीन चार बार प्रैक्टिस कर रखा है कि आर गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट इसको जाना और टिक करके आ जाना है है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछते हैं ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ डॉलर मीन्स अच्छा इसमें देखो इन्होंने ना हर एक सिंबल दिया है दे हैव गि यू एन सिंबल एंड सिंबल इज गिविंग यू अर मीनिंग सिंबल मीन्स डिवाइडेड बाई एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई हैश मीन्स माइनस एंड ये उन्होंने इसे पूछा है सो और दे पास टेन हैश फाइव एट द रेट वन डॉलर फाइव दे है यू दिस टर्म दिस पूरा क्वेश्चन में नाउ हैश मीन्स माइनस टेन माइनस फाइव एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई डॉलर मीन डिवाइडेड बाई इसको हमें सॉल्व करना है ठीक है When simultaneous operations हम करते हैं क्या होता है एक ही लाइन में देर आर सो मेनी टर्म्स एंड देर आर सो मेनी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन डिविजन एडिशन कौन सा पहले करेंगे कौन से बाद में करोगे आपने पहले एडिशन कर दिया पहले सब कर दिया आंसर अलग आ जाएगा पहले डिवीजन कर दिया मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो आंसर अलग आ जाएगा सो व्हाट वी डू जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होता है दे हैव सेम प्रायोरिटी किसी को भी पहले कर सकते हो बट माई सजेशन वुड बी कि आप पहले किसको करो पहले आप मल्टीप्लीकेशन करो पस यू डू मल्टीप्लीकेशन देन यू डू डिवीजन देन एडिशन सब आप साथ में कर सकते हो कोई इशू नहीं दे आल्सो हैव सेम प्रायोरिटी बट माई स्ट्रांगली स्ट्रांग एडवाइस वुड भी कि आप पहले मल्टीप्लिकेशन करो देन डिवीजन करो देन ये करो सो इफ आई डू दिस मल्टीप्लिकेशन आई राइट टेन माइनस फाइव इंटू वन फाइव डिवाइडेड बाई फाइव देन क्या करना है मल्टीप्लीकेशन के बाद डिविजन टेन माइनस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव शन और एडिशन टेन माइनस 1 9 so any option is 9 yes option d 9 is correct option ठीक है इसमें बस इतना ही बताना था कि साइमल्टेनियस ऑपरेशन में आप किसको पहले करो और किसको बाद में करो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एटीन एंड यू कैन सी कि दिस इज बेस्ड ऑन द सेम कांसेप्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ ट इसमें आपको क्या करना है दोनों साइड के एडिशन को चेक करना है यू डीड नॉट टू वेस्ट योर टाइम इन द फुल एडिशन इंस्टेंट आप क्या कर सकते हो यूनिट जो भी डिजिट है उसको एड करके यू कैन जस्ट चेक वेदर दिस कैन बी अ पॉसिबल ऑप्शन और नॉट सो हाउ वि हाउ विल आई डू दैट लेट से आईड टेक दिस ऑप्शन फोर so i'll place this 4 here 4 plus 1 4 plus 2 4 plus 4 3 plus 4 1 this should be equal to 214 right but now if we see so the first thing is we can add all these numbers and we can check whether it is equal to 214 or not if it is then that uh, this 4 would be our option correct option but instead of डूंग दैट फुल कैलकुलेशन मैंने क्या बताया था आपको यूनिट प्लेस के नंबर की को एड करके वी सी की वॉट यूनिट डिजिट वी आर गेटिंग एंड दैट शुड बी इक्वल टू दूनिट डिजिट ऑफ द फाइनल समिस प्लस फोर एट प्लस फोर ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन दूनिट डिजिट ऑफ सिक्स इज सिक्स बट हियर वी आर गेटिंग फोर सो विच इज नॉट इक्वल सो दिस ऑप्शन इज नॉट राइट राइट नाउ वील ट्राई फॉर फाइव इफ इट इफ इट कम्स इक्वल टू लेट्स ए फोर लेट्स के लिए फोर्टीन आया होता फॉर एग्जाम्पल और एक और किसी ऑप्शन रखने पर भी लेट्स ट्वेंटी फोर आया होता फोर फोर देन देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट दीज टू ऑप्शन आर सीमिंग टू बी करेक्ट बट देन वी नीड टू यू नो कैलकुलेट दैट ऑल द फाइव डिजिट्स

Okay, and this should be equal to 2, 1, 5. Again, I will do the same thing. Unit digit, Vala. 5 plus 5, 10, plus 5, 15, plus 3, 18, plus 1, 19. It is 9, this is 5. So, this is again not right. So, we have eliminated two options. 4 is not the answer, 5 is also not the correct option. Now, we will try with 6. 6 plus 1, 6 plus two six plus six three plus 6 1 is equal to two one six. again we will do the same practice six plus six twelve plus six eighteen plus three twenty one plus one twenty two right six six twelve six eighteen three twenty one plus one twenty one it is two this is 6 again this is a wrong option. So we have eliminated three option.

Plus eight one is equal to two one eight. Eight plus eight sixteen eight twenty 28. Unit digit is eight. Unit digit is eight. Then this will be a correct option. If you wanted, if you want to check, you can do that full calculation and then you will see if the final sum would be two one eight. So if these kind of questions come where you need to check the sum, then the best of best. थिंग टू डू वुड बी आप यूनिट डिजिट की जो भी यूनिट डिजिट है उनको ऐड करके उनका सम लेके चेक दैट यूनिट डिजिट ऑफ द सम वॉट एवर यू आर गेटिंग एंड इसको आप कंपेयर कर लो जो फाइनल सम आई डोट थिंक देर इज एनी प्रॉब्लम हियर ओके सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन वॉज अगेन आस्ट इन दर ट्वेंटी एटीन

things come what you will do you'll just write already you must have written in the in the paper i'll just write again why i have written like this in 5 5 terms because it would be easy for me to calculate let's say i want to calculate the number of m 5 5 10 11 12 13 right this i have told you earlier now it is written L J X V C. Also, I have told you one thing when there is a relationship given between two words, you know, then in those two words, generally the relationship exists between letter to letter. That means this L will be related to this M generally, this S would be related to this U, this J would be related to this M. इन सम पैटर्न दैट पैटर्न यू नीड टू फाइंड आउट तो मैं देखता हूं कैसे पैटर्न है तो वट आई डू आई जस्ट राइट मुंबई बिलो दिस वर्ल्ड एम यू एम बी ए आई ठीक है नाउ वॉट आई डू एल टू एम दिस इज एल दिस इज एम आई आई एम गोइंग फ्रॉम एल टू एम बट विदाउट लिविंग एनी लेटर

Again, we go to this A. So X, I am leaving Z, X, uh, sorry, Y, Z, and A. Then I am getting B. That means I am leaving three letters Y, Z, and A. Yes, correct. V to A. How am I going to V to A? Leaving W, X, Y, Z, and then I am getting A. That is, I am leaving four letters. And similarly, here must be five letters: 1, two, three, four, 5. Right? So it, it is very easy.

Because here I need to leave one letter. So I leave F here. After E, I am leaving F. Then I will get Z. Then after L, I need to leave two letters. L here, I am leaving M and N. I will get O. Very nice. After H, I need to leave three letters. H is here. I am leaving three letters. I, J, K. What will I get? I will get L. And this is Delhi, I. So after I, I will leave four letters. I, I will leave J, K, L, M. So I will get M. So is there any option? P, G, O, L, N. Okay. So now here is the thing. This is the problem when we you don't read the question properly. What is being asked? The code for Delhi is here. They have changed the question.

Done this thing because you need to read the question very, you know, very in a very focused way, in a very attentive way. Why? Because if they have given, if they might have given such option, you might have, you know, done this question correctly, but this is not the case. So, the thing is, now the whole thing will be changed. See how now, what you need to do is.

अच्छा हियर यू कैन सी बिफोर यू आई एम लीविंग वन लेटर देन आई एम गेटिंग एस राइट सो नाउ आई विल सी इन अ रिवर्स मैनर बिफोर यू वन लेटर आई विल लीव एंड व्हाट आई नीड टू फाइंड सो ई के पहले डी आई विल लीव आई विल गेट सी सो अगेन इट वुड बी सी नाउ आई हैव टू लीव टू लेटर्स बिफोर एल सो एल इज हियर आई विल लीव के एंड जे सो व्हाट विल आई गेट आई विल गेट आई Before H, I need to leave three letters. So, I will leave G, F, E, I will get D. And before I, I will leave four letters. So, what I will get? 1, 2, 3, or again I will get D. So, the correct answer would be C, C, I, D, D. Is there any option? Yes. Option A, C, C, I, D, D is the correct option. So, that is why it is very important. For you to read the question properly. Because here this was the code for Delhi Mumbai. So same thing I should find for Delhi. But what I did in the first stage, Delhi Kahi, you know, I have found I have found a word for which Delhi was the code, but it was not asked. It was uh, what it was asking, it was asking code for Delhi. Right? So that shows the importance of reading the question properly. So this question was asked in the 2018. In the year 2018, so now we will move on to next question. So, this question was again asked in the year 2018. <sighs> yes, if RAMON Ramon is written as 12345 and Dinesh as 675849, then Hamam will be written as. Now, if you see, okay, how will you proceed in this question? I will just write what I have told you earlier if some relationship is given between alphabets to alphabets or you know word to some numbers then every letter is connected to the number that whole digit so if it is written r a m o n and it is 1 2 p five right that is r is sh shown by 1 e is shown by 2 m is shown by 3 o is shown by 4 and n is shown by 5 dinesh 6 7 5 8 4 9 so i'll tell you one thing

1, 2, 3, 4, 5, 6. six digits. that means every individual letter in the word and every individual digit in the number, they are connected. and generally, this pattern will be followed in the exam. now, if it is asking for hamam, h, a, m, a, m. so what is the code word for h here? h is here. h is nine. So where it is H I will write nine, okay. Where is A A is here A is shown by two, so I'll write two. Where is M M is here, M is three, okay. M is three. Here also M is three and A is two. So hamam is written. Hamam can be written by this nine two three two three S

it out now we will move on to next question so this question was asked in the year 2017 so these kind of question what they ask in this question i'll just read the question first in a certain code 256 means red color chalk 589 means green color flower and 254 means white color chalk the digit in the code that indicates white is so basically

That's some kind of you know, pattern will be followed. So here one word is getting connected to one letter, but obviously not in the same order. That order you need to follow. Just say they have given you one word white right and you need to find the number related to this white. Right. So I will if I just write 256. It means red color shock. Five eight nine means green color flower. And two five four means white color chalk. White color chalk. Then if you need to find the uh, relation between words and letter, what you will do? You choose such combination of two where two numbers are common first in the starting. When two numbers are common and only one is different. Right. If this is one, this is two and this is three. If I take one and three together, one and three. So one and three, you see two, five, six, two, five, four.

I don't know whether two is color or two is chalk, or five is color or five is chalk. But I definitely know that is two five is color chalk. If two five is color chalk, then here remaining is six. Then six means six will be showing red. Six is red, and obviously this it is four left. Four is white, right? So in if in the exam they ask what is red, what is white, so here four is white.

We don't know that I get from this information, right? If two five is either of them is color and one one of them is chalk, so five will be either color or chalk. But if you see this combination, five eight nine, this is green color flower. Five can be either color or chalk. Here it is coming color. That means five is color. Five is color and not chalk. So if five is color, five is color, then chalk would be two. So I'll also get two is chalk and five is color getting my point then eight nine is green flower which one is green which one is flower for that you need additional information but from this given information you can find these values two five six four that you can find very easily and for eighty nine you can also find that it is it is green flower right

सो दिस क्वेश्चन वॉज आस्क इन दर ट्वेंटी सिक्सटीन आ मिलिट्री कोर्ट राइट सिस्टम एस एन आर यूजिंग द सेम कोर्ट प्रेक्शन क्या करना है ओके सो इफ एल जस्ट राइट दिस हाउ दे है दिस टेम

This TEM is here. So, basically they have reversed the order, order of last three letters. TEM. TEM. Okay. Sys. S-Y-S. -S. So, if the same pattern would have followed here also, then if you write in the same pattern order S-Y-S, -S. there will not be any change. You know, you cannot perceive any change, but yeah, there would have been some change if the same pattern is followed. That means they have divided this word in two टू ब्रैकेट्स ऑफ थ्री लेटर्स इच दे हैव यू नो रिटर लाइक दिस ठीक है सो विल आई डू अच्छा सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन इन सो आई एम गेसिंग दिस माइट बी दै दिस माइट बी दैटर्न बट अगेन इफ यू थिंक दिस इज दैटर्न शुड नॉट बी वेरी हैप्पी यही होगा यू शुड ऑल्सो चेक इफ एनी अदर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवेन इफ दैट पैटर्न इज गेटिंग ऑल्सो दैन ओनली दैटर्न वॉट यू हैव फाउंड आउट इज करेक्ट अदरवाइज दैट माइ नियरली बी अ को इंसिडेंस तो हम सेम इसमें भी ट्राई करते हैं क्या दिया हुआ एन ई ए आर ई आर नियर राइट सो वॉट आई डू

So fraction is 1 2 3 4 5 6 7 8 there are 8 letters so it would be bifurcated from the fourth so this would be first part this would be second part right this would be divided in 4 4 letters so now it's commonly written the f r a c so written c a r f c a r f and this is t i o n so it would be reverse n o i t c a r f n o i t is the only option c a r f

If ABC into DEED e, e, D is equal to ABC, ABC, where ABCD and D are different digits, what are the values of T and D? This question was asked in the year 2015. So, this question I will tell you with two methods. The first is सम देर वुड बी सम मैथमेटिकल यू नो एक मैथमेटिकल रूल होता है सो आई थिंक दैट रूल माइट हेल्प यू अगेन इन द फ्यूचर सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट थिंग एंड एनदर इज यूजिंग द ऑप्शन सो अगर मैं फर्स्ट रूल से करूं इसको कि वॉट मैथमेटिकल रूल वी यूज इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वेन एवर This kind of pattern is given of numbers. A B C A B C. This kind of pattern is given. This kind of pattern is given. Then that means if number is like 123, 123, 345, 345, 176, 176. ABC ABC, ABC, ABC. This kind of pattern, then

तो इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई सेवन इलेवन थर्टीन ओके सो दिस नंबर वुड बी अ मल्टीपल ऑफ वॉट मल्टीपल ऑफ वॉट ये नंबर किसका मल्टीपल होगा जिसका एंड थ्री दैट मीनस इफ यू टेक द एल्सियम ऑफ दिस थ्री सेवन इलेवन थर्टीन इफ अगर हम इसका एलसीयम निकालें देन दैट नंबर वुड बी अ मल्टीपल ऑफ दिस एल्सियम एल्सियम क्या होता है तो जो भी नंबर आएगा एल्सियम इसका मल्टीपल होगा ये लेट से एल्सियम कम फॉर एग्जाम्पल फॉर एक्साम्पल फॉर एक्साम्पल एल टेन एक्साम्पल दिस इज नॉट राइट बट हाइपोलिटिकल केस में टेन है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी बिकॉज इट इज गेटिंग डिविजल बाईल ऑल थ्री नंबर मीन इट इज गेटिंग डिविजल बाई द एल्सियम ऑफ दी थ्री नंबर तो इसका मल्टीपल होगा तो आई फाइंड द एल्सियम टेन इज नॉट द एल्सियम एल्सियम वुड बी सेवन इलेवन थर्टीन सो ऑब्वियसली देर इज नथिंग कॉमन हियर सो सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन वुड बी एल्सियम दिस वुड बी 77 सेवन इंटू थर्टीन नाइन हंड्रेड वन डबल जीरो वन दिस इज द एल्सियम ऑफ सेवन इलेवन थर्टीन दैट मीन्स दिस नंबर

Question. It is given A B C. Okay, no issues. And this number is D E E D. Four digit number. Here it, it is also four digit number. So, and you can also see that it is following a pattern. If D is equal to one and E is equal to zero, then obviously D double E D is equal to 1001. Zero zero one. One zero zero one. So, from here we are getting that d is equal to 1 and e is equal to 0. Is there any option? d is equal to 1, e is equal to 0. That is option C. No issues? With okay. Now, I will tell you this problem another method using option. Now, if you see from option.

the value of d let's say i take this value d is equal to 1 is equal to 0 then it would be one zero zero one. you multiply this and if you find abc 345 then again abc 345 if you get this then this is the correct option if you take d is equal to 0 is equal to 1 so d is equal to 0 e1 1 0 if you again multiply with this if you get this then this is the correct option so it is a time-taking question time-taking method

No, in your mind every time. ABC ABC means this. So that rule should be crammed. Okay. So now we will move on to the next question. This question was asked in the year 2014. The letters L, M, N, O, P, Q, R S, and T in their orders are substituted by 9 integers 1 to 9. So, how many letters are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay so nine letters are given and they are given values from 1 to 9 everything is integer that is that means every letter is having a unique number attached to it okay but not in that order obviously okay four is assigned to p okay the difference between p and t is 5 p and t is 5 okay Let's say I am assuming p is greater than t. So if I put p's value four minus t is equal to five, that means t is equal to minus one. This is not possible because integers are from one to nine. That is given. So this is not possible. That means p is not greater than t. Greater than this is wrong. That is, it should be t minus p is equal to five. p is four is equal to five and t is equal to nine. This is p is equal to nine. p is equal to four. This is given.

okay so we'll move on to next question okay so we have covered this topic of coding and decoding so this is a very easy topic as i have told you earlier also you just need to practice this at least one to two times on your own and after this i don't think there will be any question where you will be having any doubt but you still if you feel some discomfort you can always reach out to us we are always here to help you out Thank you for watching my video. Study hard and all the best. Thank you.